नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें NMS के मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन हम जैसा कि पहले ही वीडियो में रीजनिंग और साइंस और सोशल साइंस की को कवर कर चुके हैं, अब इसमें मैथ्स को कवर करेंगे, जिससे 2019 का पूरा NMS का पेपर कवर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। दो ऋणात्मक माइनस दो है ऐसे और माइनस दो, इनका गुणा करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में चार आएगा, तो इसका आएगा ए, हमेशा धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और पाइप के चारों ओर एक बार तार लपेटने की टैप की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका कितना होता है 2πr, तो 2 × 22/7, आर कितनी है 10, तो दिनों 20, 22 की जगह इसको 3.14 और 3.14 रखेंगे, रुकिए इसको रखेंगे 2πr 2 × 3.14 × 10, तो इसका गुणा करेंगे 10 × 30 × 62.8, यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करना है इसमें, तो इस तीनों समान है तो इस समबाहु त्रिभुज यानी कि r का मान 60 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक भाग कोण 45 हो, तो इसका 360 में भाग देंगे, 45 × 8 है, 360 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 5 से को फेंका जाता है तब एक समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ये तो अभाज्य हैं, 2, 4, 6 है, लेकिन 4 और 6 अभाज्य नहीं है, तो ओनली 2 है, तो एक संख्या अभाज्य है कितने में से, 6 में से, तो ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/6। अगला क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस जो 12, 35, 33 होता है, जैसे 5, 8, 3, 5, 8 होता है, ऐसे ही ये होता है। 242 से घन की एकांक क्या हुआ, तो इसका 3 बार गुणा करेंगे, 2 × 4 × 8, तो इसका आंसर आया है 8, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा, उसको 500 की मरम्मत की और 3300 बेच दिया, उसका लाभ 5000, 2500 में खरीदा, 500 और लगा दिए, तो उसको कितने का पड़ा 3000 का, लेकिन बेचा उसने किसने 3300 का, तो कितना लाभ हुआ 300 का लाभ हुआ, कितने पर 3000 पर × 100, इससे ये कट गया 10 बार 0 से 0 कट गया, तो 10% आंसर आ गया, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, यदि तीनों संख्याओं का तीन अंकों की संख्या से विभाज्य की जाए तो x का मान क्या होगा, x का मान यहाँ पर मतलब ऐसी संख्या इनका अंकों का योग 3 से कटता है, वो 3 से कटती है, तो 4 और 6, तो इसके लगे क्या रखेंगे, तो 3 रखेंगे, 6 और 3 9, जो 3 9 से कटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, द्वीय पद में सार्वगुणनखंड क्या होगा, मतलब वो कॉमन करना है जो सब में आ रहा हो, तो 8, 12, 20, इसमें से क्या कॉमन आ रहेगा 4, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों गलत हो जाएंगे। इसके बाद a² (1+4) (1+3), तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में, a² इसके बाद b² (b)और b^4, तो b इसमें अकेला आया तो b कॉमन आएगा, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x²-2x + y² का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 1, इनका मान रख लेंगे तो इसका 1 आ जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से कौन सा एक समबहुलक है, तो इसका आंसर है घन, घन एक समबहुलक होता है। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 अभिकर्णों में से एक का 16 है, दूसरा अभिकर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 × 1 2 क्षेत्रफल कितना दिया है 240, 1/2 पहला अभिकर्ण 16, दूसरा अभिकर्ण एक्स निकालना है, 2 से काटते 2 2 8 16 8 से काटते 8 3 24 3 0, तो 30 सेंटीमीटर देखिए आ गया, दूसरा अभिकर्ण आ गया, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 85, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं, 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं, तो 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, 15 × 2 = 30, 2 से काट दो 24, 24 आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है डोगार्ड डो माइनस डो, तो इसका मान तो एक हो जाएगा, पाँच किसी की भी घात जीरो हो तो माइनस एक हो जाता है, तो इसकी घात हो जाएगी माइनस टू की घात दस माइनस की, इसको पॉजिटिव करने के लिए एक बटे दो की घात माइनस दस हो जाएगी, माइनस दस तो यहाँ पर दस बार करेंगे सम में है तो समी संख्या आएगी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राहुल के पिता की आयु, राहुल की आयु के तीन गुने से पाँच वर्ष अधिक है, राहुल के पिता की वर्तमान आयु 44 है, तब उसकी राहुल की आयु कितना होगी, तो इसका आंसर है 13 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ये 30 का है तो जेड कितने का होगा 150 का, क्योंकि ये पे 100 से ज़्यादा है, ये 90 का तो ये भी 90 का, ये 60 का तो ये 110 का, तीनों को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88, इसे पूछा गया है को सरल करने पर निम्न क्या प्राप्त होगा, तो पहले x का मान x ही घात 3, तो यहाँ 4x ही घात 3 और यहाँ 2x ही घात 3, ये प्लस के माइनस की घट जाएगी तो 2x की घात 3, ये एक ही ऑप्शन में है तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑयलर का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है f + b - c = 2, ये ऑयलर का सूत्र होता है। लास्ट क्वेश्चन है एक फल फूलदान का लाभ मूल्य 120 है, दुकानदार 10% रानी पर बेचता है, तो 120 10% यानी कि 90% में बेच रहा है, तो कितना आएगा, जीरो से जीरो कट गया, जी जीरो से जी जीरो कट गया, बार नंबर 108 आंसर सही हो जाएगा। ये थे आज के 20 क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको अच्छे सही समझ में आएंगे और अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी वीडियो के साथ आपका MMS 2019 का पेपर कंप्लीट हो गया है। अगर ऐसे ही और आगे भी पेपर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, अन्यथा इसके बाद यह सीरीज बंद कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।